राजधानी में राष्ट्रीय सेवा संगम का आयोजन किया जा रहा है। केशव विद्यापीठ जामडोली में आज से शुरू इस संगम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने शिरकत की, हिंदू समाज में सन्यासियों की भूमिका पर संबोधन दिया। 3 दिन चलने वाले इस सेवा संगम के मायने क्या है, खास रिपोर्ट देखिए आप। जयपुर में शुरू हुआ राष्ट्रीय सेवा संगम 2023 9 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले समेत कई बड़ी हस्तियां शिरकत करेंगी। इस कार्यक्रम का संघ प्रमुख मोहन भागवत ने उद्घाटन किया। इस दौरान भागवत ने अपने संबोधन में सन्यासियों की अहमियत और कार्य पर प्रकाश डाला। अपने देश को अच्छा देश बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, इसका मतलब वो सर्वांग परिपूर्ण होना चाहिए, उसका प्रत्येक अंग सामर्थ्य संपन्न होना चाहिए। तो समाज में अभी इसकी आवश्यकता है तो हमको करना है। क्यों करना है? इसलिए कि वो समाज मेरा अपना है, मेरे अंदर उस सारे समाज का एक छोटा सा रूप है और संपूर्ण समाज में मैं अपने आप को देखता हूँ। सभी प्रांतों से सेवा कार्य में जुटी 800 संस्थाओं के 3000 से ज्यादा प्रतिनिधि भी इस संगम में शामिल होने के लिए जयपुर पहुँचे हैं। सेवा के दौरान किए गए कार्यों की सफल कहानियां, यात्रा वृत्तांत के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक मुद्दों पर चर्चाओं के कई सत्र होंगे। कार्यक्रम के पहले दिन भागवत के साथ बाल योगी उमेश नाथ महाराज ने भी शिरकत की। जिस प्रकार से देश में मैं निरंतर लोगों से कहता रहता हूँ कि हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे महापुरुषों ने, हमारे देवताओं ने इस देश को बंटने से रोका, अलगाव से रोका और इस सनातन धर्म की मजबूती को बनाए रखा, लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि इस देश में शंख की आवाज बंद हो गई, घड़ी और घंटाल की और नगाड़ों की आवाज बंद हो गई और सुबह से लेकर शाम तक हमको 5 टाइम की नवाजें ध्वनि विस्तारक यंत्र से हमारे सारे काम को डिस्टर्ब करने लग गए। ये सब क्या हुआ? हमारी दादी कहा करती थी कि उठो, 5 बज गई है, अजान हो गई है। हमें दुख होता है इस बात का कि हमारी दादी नानी और हमारे सब परिवार के जो वृद्ध पुरुष हैं वो ये कहें कि उठ जाओ, शंख बज गया है। और जब शंख बजता है तो इस देश की समस्त गंदगी दूर हो जाती है और जितना भी प्रदूषण है वो सब मुक्त हो जाना चाहिए। वहीं सेवा संगम के कार्यक्रम में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ मौजूद रहे। सांसद दिया कुमारी, रामचरण बोहरा, घनश्याम तिवारी और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने भी शिरकत की। मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर ये जो राष्ट्रीय सेवा संगम 2023 का शुभारम्भ हुआ है, हमारे माननीय सर संचालक जी मोहन भागवत जी के द्वारा सभी को मार्गदर्शन मिला, उद्बोधन भी उनका प्राप्त हुआ और सबको मिलकर जुड़कर सेवा का काम करना चाहिए। हमारी तरफ से हम जितना भी कर सके, जो ज्यादा कर सके वो ज्यादा, जो कम कर सके वो कम, लेकिन सेवा के कामों से जुड़ना चाहिए। बहरहाल 2 दिन संघ प्रमुख मोहन भागवत जयपुर में ही रहेंगे। 2 दिन तक कार्यक्रम में कई सत्र होंगे। सेवा भारती की ओर से किए गए उत्कृष्ट कार्यों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इस राष्ट्रीय सेवा संगम का मुख्य उद्देश्य आरएसएस को जमीनी स्तर पर और ज्यादा मजबूत करना है। डिंपल शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।